थी ये लड़कियाँ और कौन था वो जिसने ये जघन्य अपराध किया उनके साथ। शायद इनका व्यवहार नहीं बदलेगा जब तक हमारी रूढ़िवादी विचारधाराएं नहीं बदलेंगी, जब तक हमारा औरतों को देखने का नजरिया नहीं बदलेगा। लेकिन हम इन लड़कियों की तथाकथित सो कॉल्ड गलतियों से कुछ सीख सकते हैं और इन गलतियों को हम उस लंबी सी लिस्ट में डाल सकते हैं जो हमारे पुरुष प्रधान समाज ने सिर्फ औरतों के लिए बनाई है उन्हें दायरे में रखने के लिए। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया स्वागत करती हूँ आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में। हमारी आज की कहानी नागपुर महाराष्ट्र की है, एक ऐसा अपराध जिसने पूरे नागपुर को हिलाकर रख दिया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये निधि कामत हैं और निधि कामत नागपुर के जाने माने बिजनेसमैन प्रेम कामत की बेटी हैं। और निधि कामत के पास जिस लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है उसका नाम वरुण शिंदे है और वही वरुण शिंदे है ये जिसने पिछले साल मिनिस्टर श्रवण देशमुख के साथ एक फैंसी और बड़े रेस्टोरेंट को खोलने में पार्टनरशिप की थी। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर ये है कि ये कार देशमुख के घर की दीवार के पास खड़ी मिली है। आप देख सकते हैं ये वो दीवार है उनके घर और पीछे पुलिस की गाड़ी आ चुकी है। श्याम जरा कैमरा पैन करो, चलो पीछे, चलो पीछे, चलो। बोलो, नहीं खुल रहा सर, मैं कहने की बोलो। क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तुम लोग। चलो चलो निकल, गाड़ी और एम्बुलेंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस में दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, साथ में ये गाड़ी भी यहाँ से जा रही है फॉरेंसिक जांच के लिए और साथ हमारे पीछे ये पुलिस की गाड़ी भी यहाँ से निकल रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि निधि के फैमिली के लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो लोग काफ़ी सदमे में हैं और ये फैमिली पूरी तरह से आहत है। हम अभी इनसे सवाल नहीं पूछ सकते। ताराबाई नगर पुलिस स्टेशन। हे बगा, इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया है कि निधि कामत जिसकी उम्र 24 साल और वरुण शिंदे जिसकी उम्र 27 साल थी, उन दोनों ने कार के अंदर सुसाइड कमिट किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला है कि दोनों ने भारी मात्रा में नींद की दवाइयां खा ली। उसके बाद दोनों ने मृतक वरुण शिंदे की गाड़ी में अपने आप को लॉक कर लिया और वहां दोनों की दम घुटने की वजह से मृत्यु हो गई। दोगानी आत्महत्या के लिए। पुलिस ने मान कैसे लिया कि सुसाइड केस था और वो इतने जल्दी इस नतीजे पे कैसे पहुंचे? क्या पुलिस पे कोई दबाव था या उन्हें सच में ये यकीन था कि ये सुसाइड था? कहते हैं ना कि ज्यादती ज्यादा देर तक नहीं चलती, कोई ना कोई गुनाह के खिलाफ आवाज जरूर उठाता है और यहाँ भी कुछ वैसे ही हुआ। कैमरा टर्न करो, कैमरा टर्न। इस केस को दबाया जा रहा है। मेरी ताई निधि और उनके मंगेतर वरुण शिंदे का मर्डर हुआ है और उनका मर्डर मिनिस्टर श्रवण देशमुख ने किया है। आप मिनिस्टर देशमुख के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं, कोई प्रूफ है आपके पास? वरुण और श्रवण देशमुख के बीच अभी कुछ ही दिन पहले रेस्टोरेंट को लेके बहुत बहस हुई थी और उसकी नजर तो शुरू से ताई पे थी, जब से ताई मिस नागपुर बनी। हटाओ, हटाओ इसे, हटाओ सबको। और आप लोगों ने तो सब देखा है कैसे मेरी ताई का सलवार, मेरी ताई का रेप हुआ है। साइड में आ जाइए मैम। तुम लोग मेरी आवाज को दबा नहीं सकते हो। साइड मैं अपनी ताई को इंसाफ दिला के रहूंगी। उसका कहना ये है कि आपकी बहन और मर्डर श्रवण देशमुख ने किया है। चलो निकलो, अच्छे चलो बंद करो मैडम, चलो बंद करो, तुम लोग बंद करो, बंद करो। अरे चलो निकलो, चलो ताई को इंसाफ दिला के रहूंगी। हेलो, हम भी यही चाहते हैं कि निधि को जस्टिस मिले। अब बताओ उसमें हम क्या कर सकते हैं भला? अगर कोई श्रवण देशमुख को टक्कर दे सकता है ना दादा, तो वो सिर्फ आप है। आपके पास उससे ज्यादा पार है, लोग आपकी सुनते हैं। सही बात है प्रीति,
जबकि तुम हमारी पार्टी के यूथ विंग का हिस्सा हो और तुम्हें पता है कि इस तरह के मामले कितने डेलिकेट होते हैं। हमारा डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का मतलब है पॉलिटिकल इशू बन जाना। वैसे भी कार और डेड बॉडीज श्रवण देशमुख के घर के बाहर मिली हैं, सीधा सीधा केस बनता है। हमें इस तरह केस में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, पुलिस अपने आप देख लेगी। वही तो प्रॉब्लम है दादा, पुलिस कुछ कर ही तो नहीं रही है। आज केस भी क्लोज कर दिया उन्होंने। पहले तो तुम रो मत, अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो तुम खुद करो। मैं? हाँ तुम, केस को रीओपन करवाओ, जरूरत पड़े तो पार्टी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। पर कैसे दादा? प्रीति तुम युवा हो, इस देश की युवा, और युवाओं ने इतिहास बदल दिया है। अगर कमी है तो सिर्फ दृढ़ संकल्प की, तो उस युवा शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ जाओ। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें जस्टिस मिलेगा, और फिर करण है ना तुम्हारे साथ। मूर्ख है इसका तो, मुझे पूछा क्यों नहीं? मी का चुप के लिए, ताई का खून हुआ है और मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक उस कमीने देशमुख को सजा नहीं मिल जाती। प्रीति, प्रीति ठीक ही कह रही है। चुकी से बोलती थी। अहो, निधि जा चुके, हम लोग जिंदा है और हमें जिंदा रहना है। मैं कह देता हूँ, रिक्वेस्ट वापिस ले ले। मैं रिक्वेस्ट वापस नहीं लूंगी। प्रीति, प्रीति, प्रीति बेटा खाना खा। और मिस नागपुर डेथ केस मामले में एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। सरकार ने निधि की बहन के द्वारा की गई याचिका कि एसआईटी इस केस को रीओपन करे को मंजूरी दे दी गई है। और इतना ही नहीं, हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि एसआईटी की टीम यहां पे पहुंच चुकी है और उनकी गाड़ी यहां पे आ चुकी है। आपको दिखाते हैं, एसआईटी के ऑफिसर यहां पे पहुंच चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना है आपका इस मामले के बारे में? अरे, हमसे ज्यादा तो जानकारी आप लोगों को। कोई नई खबर हमारे पास आ जाएगी तो हम बता देंगे, आप पब्लिक को बता दीजिए। एक्सक्यूज मी। जी, गुड लक सर, गुड लक। सर, मिस नागपुर केस की इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। मिस नागपुर? हाँ, निधि कामत पिछले साल की मिस नागपुर की विजेता रही थी, तो इस केस का नाम भी उस पर से मिस नागपुर पड़ गया। नाम कुछ भी हो, विक्टिम को न्याय जरूर मिलना चाहिए। कोई भी केस की इन्वेस्टिगेशन में इतनी डिले कैसे हो सकती है? क्या हुआ सर? क्या हुआ? कमाल है, क्राइम सीन के कार को तुम्हारा हवालदार खुद ड्राइव करके लेके आए, उससे एविडेंस को कितना नुकसान पहुंचा होगा आप तो जानते हो। सर, जिस तरह वहां भीड़ इकट्ठा हुई थी ना, और सब लोग अपने आप को रिपोर्टर बनाना चाह रहे थे। सर, अगर गोखले कार ड्राइव करके नहीं लाता ना यहां पर, तो वहां जो पब्लिक थी ना, वो कार में बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाती। सर, लेकिन इसकी वजह से क्राइम सीन के एविडेंस नष्ट हो गए, उसका क्या? हां सर, ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट, कितना भरोसा रखेंगे इसके ऊपर? सर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सर, लेकिन वो निधि कामत की बहन प्रीति ने मिनिस्टर श्रवण देशमुख पर इल्जाम लगाया सर। हमारी टीम पर बहुत प्रेशर था सर। नहीं, प्रेशर अभी भी बनाए रखो। हाँ, और विक्टिम के बैकग्राउंड के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उतनी सब कलेक्ट करो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने में हमारे काम आएगी। हो सर, जा सकते हो। शिरके सर, विक्टिम की बहन प्रीति कामत को मिलते हैं, पता करते हैं ऐसा क्या जानती थी कि इतने कॉन्फिडेंटली कह रही है ये सुसाइड नहीं मर्डर है। ठीक है सर। ये कौन है? सर, ये करण कुलकर्णी, मेरे मंगेतर। तो निधि और वरुण के बारे में बताओ। मेरी ताई खूबसूरत ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंट और प्योर हार्टेड थी। लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उनके पास प्रपोजल्स ही प्रपोजल्स आने लग गए। कोई अपना नाम नहीं लिखता था, बस गिफ्ट्स और लेटर्स सेंड करते रहते थे, पर उन्होंने कभी किसी पे ध्यान नहीं। फिर एक साल पहले जब वो मिस नागपुर बनी तो पहली बार वरुण शिंदे से मिली। और इस इवेंट के स्पॉन्सर क्लियर स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऑनर को मैं यहाँ बुलाऊंगी। मिस्टर वरुण शिंदे जी यहाँ आए और मिस निधि कामत को ये क्राउन पहनाए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। It was amazing, guys. Thank you so much. Bye. Bye. See you. Take care. Bye.
अरे आप गए नहीं अभी तक? मैं बस निकल ही रहा था तो मैंने सोचा कि तुमने आज जो मुझे क्राउन पहनाने की अपॉर्चुनिटी दी थी तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उसके बदले में मैं तुम्हें डिनर पे लेके चलूं। ताई को वरुण से प्यार हो गया था। वरुण में वो सब कुछ था जो ताई अपने एक लाइफ पार्टनर में चाहती थी। वो पढ़ा लिखा था, सोफिस्टिकेटेड था, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता था और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो बहुत अच्छा इंसान था। हम भी उससे मिलने लगे थे। ये इसको तो तुम मिल ही चुके हो, वो है करण, प्रीतिस फियांसे। ओ हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। डू नॉट ड्रिंक? नहीं बस। अरे पियो यार। वेट अप, ड्रिंक। सब कुछ अच्छा चल रहा था पर बाबा को ताई और जीजू के बारे में पता चल गया। अपनी जात बिगड़ी है, हमारी बराबरी नहीं हो सकती और मैं मर जाऊंगा लेकिन इस रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं कहूंगा, कभी भी। तू समझाओ ना हिला। आहो तदी ऐकून तरी क्या? बाबा एकदा भेटू या ना, एक बार बात कर लीजिए प्लीज। देखो मैं आपसे ना कुछ नहीं मांगूंगी, अगर आप उससे एक बार मिल लोगे ना आपका नजरिया बदल जाएगा बाबा। प्लीज प्लीज आई साउ ना। आहो मेरी फैमिली का एक ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस है और मैं एक रेस्टोरेंट खोलने की भी प्लानिंग कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने लोन भी लिया और मैं रेस्टोरेंट श्रवण देशमुख के साथ पार्टनरशिप में खोलने वाला। क्या वो फ्रॉड झूठा घटिया इंसान श्रवण देशमुख? नहीं, वो ऐसे इंसान नहीं है। देखिए भले ही वो पॉलिटिशियन हो लेकिन मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। एक मिनट, मेरी बेटी और श्रवण देशमुख का कोई लेना देना हो ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, बाबा ने ताई को अपने पसंद के लड़के से शादी करने के लिए प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया, पर ताई तो वरुण से ही प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, पर बाबा उनके आगे नहीं झुके तो ताई और वरुण जीजू ने फैसला किया कि वो चुपचाप सगाई कर लेंगे और उन्होंने सगाई कर भी ली अपने दोस्तों के बीच, हम भी तो थे वहाँ। अरे भाई शुरू करो। चलो चलो, परसों पहले हो गया। चलो चलो चलो। जीजू कितना शर्माएंगे आप? अरे अरे रुको एक सेकेंड। अरे ये सब चलो चलता रहेगा, सबसे पहले अपने को एक ग्रुप सेल्फी चाहिए। चलो ये सेल्फी। अरे भाई क्या शक्ल बना के रखी है भाई, यू जस्ट गॉट एंगेज। अरे खुशी तो थोड़ी दिखा, कम ऑन। अरे नहीं कुछ नहीं बाप, अरे मैं खुश हूँ, बस मैं सोच रहा था कि ये सब तो हो गया है और जब निधि के पेरेंट्स को मालूम पड़ेगा तो क्या होगा। एंड ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है, एंगेजमेंट तो हो गई पर शादी का क्या? एक रास्ता है, तुम दोनों ना भाग के शादी कर लो, कितना मजा आएगा ना गाइस। अरे चांदनी ये सब बातें ना फिल्म और कहानी में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में फ्यूचर का क्या? हमारी पढ़ाई, आने वाले बच्चों की पढ़ाई, बिजनेस, क्या करेंगे और कैसे सर्वाइव करेंगे? और वैसे भी इन सब के अलावा हमारे पेरेंट्स को जब मालूम पड़ेगा तो क्या होगा? और मैं नहीं चाहता कि निधि के पेरेंट्स को जब भी मालूम पड़े तो हम पे कुछ गलत बीते। आई डोंट वांट दैट, सो इट्स नॉट राइट। और मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आई बाबा को शर्मिंदा होना पड़े। ओफो आज का दिन तो एंजॉय करो, कितना प्यारा दिन है भाई, जीजू और ताई का एक डांस बनता है। माहौल बहुत अच्छा था सर, दोनों बहुत खुश थे, हम में से कोई भी वहाँ से जाना नहीं चाहता था, फिर सर लेट हो गया तो हम सब अपने अपने घर निकल गए। निकलने से पहले ताई ने मुझे बोला था कि वो घर पे मिलेंगी तभी बात करेंगी और वो दोनों फिर वरुण जीजू की कार में निकल गए, हम सब भी निकल गए। करण ने मुझे घर ड्रॉप किया और फिर अगले दिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इन सब के पीछे श्रवण देशमुख का हाथ था? क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है सर, ताई ने मुझे बताया था। वरुण उन्हें जब श्रवण देशमुख से मिलाने ले गया था तो उसका बर्ताव ताई की तरफ सही नहीं था। सर हम लड़कियों को पता चल जाता है कौन हमें किस नजर से देख रहा है या किस इरादे से छू रहा है। उसने एक दिन ताई को अपने घर भी बुलाया वरुण जीजू के बिजनेस के सिलसिले में बात करने के लिए, मैं भी गई थी ताई के साथ। नागपुर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पार्टी का एम्बेसडर बना सकता हूँ, हमारे साथ रहेंगी तो देश क्या वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे आप।
क्या कहते हैं, ज्वाइन करेंगे हमारी पार्टी? नहीं थैंक यू, मैं नागपुर में ही ठीक हूँ। एक दिन मैं इत्तेफाक से घर जल्दी आ गई थी, मुझे लगा घर पे कोई नहीं है, तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मैंने देखा, ये क्या बदतमीजी है? क्या समझते हो तुम अपने आप को? ये तो वरुण के वजह से झेल रही हूँ मैं तुम्हें, वरना तुमसे बात करना तो क्या, तुम्हारी शक्ल देखने का भी शौक नहीं है। लीव। मैंने कहा निकलो यहां से। तो श्रवण ने कुछ नहीं किया? किया ना सर, उसके बाद उसने वरुण को परेशान करना शुरू किया। वरुण के बिजनेस में जो भी पैसा लग रहा था वो श्रवण उसे बिना बताए निकाल रहा था सर। वरुण ने मार्केट से बहुत उधार लिया हुआ था, उसका इंटरेस्ट भी भर रहा था, बिजनेस खत्म होने के करीब था, क्योंकि जो पैसा बिजनेस में लगना था वो कभी लगा ही नहीं बिजनेस में सर। ये श्रवण बीच में से पैसा निकाल रहा था सर सारे, और ये बात श्रवण ने खुद मेरे सामने बोली। मत कैसे है, मुझे धोखेबाज कह लेगी। मैं धोखेबाज तो बहुत ही अच्छा शब्द है, तू तो आस्तीन का सांप है जिसने मेरे भरोसे को डसा है। ये तमीज से बात कर। कितना घटिया आदमी है ना, अच्छे से जानता हूं मैं। निधि को किस नजर से देखता है? हां उसे घर गया था ना, उसको छू कर आया तू? तू अपनी बेटी को भी ऐसे छूता है क्या तू? ओए ए छोड़ छोड़। मेरा पार्टनर है इसलिए से थप्पड़ मारा, अगर लिमिट क्रॉस की ना तो कहां गायब करूंगा तुझे पता नहीं चलेगा। और अपनी वो पार्टनरशिप खत्म। क्या तेरे कहने से पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी क्या? हाँ तूने जितना पैसा निकाला ना उसका सब मुझे हिसाब चाहिए, एक एक पैसे का हिसाब चाहिए, समझा ना? मेरे हिसाब से भूल जा अपने पैसे को और उसमें नागपुर को भी। और इस लड़ाई के एक महीने के अंदर ही दोनों की मौत हो गई। वो हमें कार में मिले ऐसी हालत में के कपड़े। सर हमें शक है कि श्रवण ने पहले निधि का रेप किया और उसके बाद उसका मर्डर। निधि के सलवार उसकी एड़ी तक थी सर। अब आप ही बताइए अगर कोई सुसाइड करेगा तो अपने कपड़े इस हालत में क्यों छोड़ेगा? उनके शरीर पे निशान थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बुरी तरह से उनको मारा हो। सर आप प्लीज श्रवण देशमुख को छोड़िएगा मत, उसको सख्त से सख्त सजा दीजिएगा। सर श्रवण देशमुख के सीडिया रिपोर्ट के अनुसार वो उसी शाम मुंबई चला गया था, फिर रात में अपने घर वापस आया, फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी चला गया और फिर दोपहर में अपने घर आया। सर ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में मेंशन है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस बात को लेकर उसे कोई क्वेश्चन ही नहीं हुई है। किसी ने कुछ नहीं पूछा? नहीं सर। हम पूछते हैं। जी कहिए। श्रवण जी है? जी रुकिए। सर बाहर कुछ पुलिस वाले आए हैं। क्या चाहिए उन्हें? अरे आप बिना परमिशन के अंदर कैसे आ सकते हैं? तुम्हारे साहब को बोलो SID की टीम आई है मुंबई से, मिस नागपुर केस के बारे में बातचीत करनी है। जाइए आप लोग यहाँ से, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे करनी है बात आपसे। कुछ ऑप्शन भी नहीं है, कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। वारंट लेकर आया है? नहीं ना, जब वारंट लेकर आओ ना तब यहाँ पर आना। चलो सर। और जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि SIT श्रवण देशमुख से मिलने आई क्योंकि विक्टिम की बहन ने उनके ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं, किंतु श्रवण देशमुख ने कोऑपरेट करने से बिल्कुल मना कर दिया और SIT को वापस लौटना पड़ा। इस खबर के ऊपर हमारी नज़र बनी हुई है, आप देखते रहें TV13। मैं कैमरा पर्सन श्याम के साथ मोहित शर्मा। बाबा देख रहे हैं, आप अभी भी चुप रहेंगे? अभी भी यही कहेंगे कि वो दोषी नहीं है? बाबा आप उससे बात बोले। देशमुख साहब क्या बोले? बोलने से तो सब प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। वो आपकी बेटी है ना प्रीति, जो हमारे खिलाफ बोल रही है। उसे दो थप्पड़ कस कर लो और समझाओ उसे, अगर हम समझाने पर आएंगे तो तकलीफ हो जाएगी कामत जी।
ऊपर से आपका बिजनेस डूबेगा सो अलग। गुड नाइट। आहो आहो ऐका तरी माझा आहो 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 सुनिए। लिखो लिखो यहां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इस केस के बारे में मुझे आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। लिखो। बाबा आपको पता है मैं ऐसा कुछ नहीं लिखूंगी। प्रीति क्या कर रहे हैं आप? बाबा क्या आप भी श्रवण देशमुख के साथ हैं? उसके साथ मिलके आपने ताई और जीजू को मारने की साजिश की है क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो। प्रीति अरे क्या बोल रही है तू? क्या कर रहे हैं आप ये? देखिए एक बेटी खो चुकी हूं मैं, दूसरी को नहीं खोना चाहती हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। जब तक इसके दिमाग से पर निकल नहीं जाता इसकी सूरत नहीं देखूंगा। निकल जा। आप क्या मुझे निकालेंगे बाबा? मैं खुद आप जैसे डरपोक आदमी के साथ नहीं रहना चाहती और अब तो मैं ताई को इंसाफ दिला के रहूंगी। प्रीति प्रीति सुन मेरी बात। प्रीति फिर क्या कर? घर छोड़ दिया मैंने। क्या होगा तुम अभी? एमजी रोड पे हूँ। ठीक है तुम वहीं वेट करो मैं आता हूँ। चलो। कहाँ? मेरे घर और कहाँ? शादी से पहले घर में तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? सॉल्यूशन तो है मेरे पास, अलग अलग कमरे में रह लेंगे ना। पर ज्यादा दिन नहीं, और जब तक शादी नहीं होती तब तक आओ। फिलहाल मेरी अपनी शादी से ज्यादा भाई को इंसाफ दिलाना जरूरी है। आई खुश रहे। मेरे बाबा कैसे हैं? क्या हुआ भाई? एक मिनट। तेरे पापा तो कुछ बोलेंगे नहीं पर तू हिला इकड़े कशाला घेऊन आला? आई इस घर की होने वाली बहू है और तू भूल गई क्या? तूने अपने हाथों से कंगन दिए थे इसे सगाई में। होने वाली है, हुई नहीं है। आई आज नहीं तो कभी ना कभी तो शादी होनी है, फिर तो यहीं आएगी ना। क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, ये यहाँ नहीं रह सकती। तो सुन मेरी बात, तू निकल इस घर से और बाबा को साथ में लेके जाना क्योंकि प्रीति तो इसी घर में रहेगी, समझी? तू इसके लिए हम लोग को हमारे घर से बाहर निकालेगा? आपका घर? आई तू भूल रही है शायद, ये घर मेरा है। तूने और बाबा ने अपने हाथों से मेरे नाम किया था, अगर याद नहीं आ रहा तो पेपर लेके आता हूँ। करण? हाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। आई तुम आओ मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। प्रीति निकल तो पड़ी थी अपनी बहन और उसके मंगेतर को इंसाफ दिलाने, लेकिन ये सफर बहुत मुश्किल था। इस समय सिर्फ श्रवण ही नहीं उसके पिता भी दुश्मन नजर आ रहे थे और गजेंद्र अपनी राजनीति के कारण साथ नहीं दे पा रहा था। इस बीच में अगर कोई प्रीति के साथ था तो वो करण था। करण के सपोर्ट और खुद की दृढ़ता के कारण प्रीति ने इस लड़ाई को जारी रखा। प्रीति बार बार SIT को फोन कर करके उनसे केस के प्रोग्रेस के बारे में पूछ रही थी। उसे उम्मीद थी कि SIT कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और श्रवण को दोषी करार देंगे। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन SIT जब कोर्ट के ऑर्डर का वेट कर रही थी कि श्रवण उनकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करे तो SIT को पहला क्लू मिला अपना। ये देखो ये वरुण की नाक लाल है, निधि की नहीं थी। सर हो सकता है ये पुरानी चोट हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। फिर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने नींद की गोलियां खाई थी, लेकिन मुझे लगता है उनको गोलियां खिलाई गई फिर इसी हालत में निधि के साथ रेप किया गया हो। जब बेहोशी की हालत में दोनों नहीं मरे तो उनको कार की पिछली सीट पे रखा था, कार को दीवार से लगाया गया, उसका हीटर ऑन किया, गाड़ी लॉक कर दी
ताकि ऑक्सीजन खत्म हो जाए और घुटन से दोनों मर जाए। शिरके मुझे सुसाइड नहीं, मर्डर लगता है। लेकिन जब दोनों नहीं मरे तो एक कातिल पैनिक हो गया और दिन निकलने वाला था, सड़क पे लोग भी आने वाले थे, तो उसने कुर्सी का दरवाजा खोला होगा, उसको कुशन दिखा, वो कुशन उसने लिया और निधि का मुंह दबोच दिया। अब वो वरुण को भी मारना चाहता था। लेकिन सर गाड़ी तो दीवार से एकदम चिपक के पार की गई है, तो वरुण की साइड का दरवाजा खोलना तो बहुत मुश्किल है। शिरके तूने फोटो में देखा, वरुण की बॉडी दरवाजे की उस तरफ झुकी थी, तो वरुण को मारने के लिए वो निधि के ऊपर से गया, उसने वरुण का मुंह भी ऐसा दबोचा लेकिन वो इतना फोर्स नहीं दे पाया। तो या तो उसने कुशन नीचे गिरा दिया होगा या कुशन नीचे गिर गया, बाद में उसका नाक उसने दबा दिया क्योंकि उसके नाक बहुत लाल थे और उसकी मौत भी नाक दबाने की वजह से हुई है। क्या लगता है तुम्हें? सर पॉसिबल तो है। सर जैसे अभी आपने वरुण का नाक दबाने के लिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, सर हो सकता है कि कातिल ने भी ऐसा कुछ सपोर्ट लिया अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए। हो सकता है, इसका मतलब कांच पे कातिल के फिंगरप्रिंट होने चाहिए जो पहले जांच में मिस हो गए। शिरके हैदराबाद से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुला और कार की फिर से जांच करवा। ठीक है सर। ये श्रवण देशमुख का क्या हुआ? जल्दी बोलेगा सर ये। तुम्हें पता है नागपुर में अपनी पार्टी की छवि खराब होती जा रही है। मैं सब जानता हूँ कदम जी, ये सब मीडिया वालों की साजिश है। बिना आग के धुआं नहीं उठता, ये मिस नागपुर का केस अपने हाथ से छूटता जा रहा है। मैं सब ठीक कर दूंगा कदम जी। जल्दी करना भाई, नहीं तो तुम्हारे पॉलिटिकल करियर का शवासन हो जाएगा। जी आपने भाई रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर लिया, तो तुम भी दिखाओ। यहां क्यों बुलाया? देखो ये एसआईटी मेरे पीछे कुत्ते की तरह पड़ी हुई है, उसे हटा दो और ये इन्वेस्टिगेशन बंद करा दो, सबके लिए अच्छा होगा। और मेरी ताई का क्या, जो तुमने उनके और वरुण जीजू के साथ किया? वो तुम्हारी बहन ने अपने यार के साथ सुसाइड किया है और इसके लिए तुम्हारा बाप जिम्मेदार है, मैं नहीं। पता नहीं क्यों नफरत करता है तुम सबसे इतनी, बिना वजह इन लफड़ों की वजह से मेरा पॉलिटिकल नाम खराब हो रहा है, हाई कमांड भी नाराज है मुझसे। हाई कमांड? तुम जब जेल जाओगे ना तब दिखाती हूँ हाई कमांड क्या करेगा। बस करो यार, मतलब तुम नहीं मानोगे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस बात के लिए मान जाऊंगी? लगता है बहुत जल्द तुम अपने ताई से मिलने वाली हो। प्रीति तुम टेंशन मत लो, दिख रहा है वो कितना डरा हुआ है, इसमें तुम्हारी जीत है, सब ठीक होगा। दादा कुछ पता चला क्या जिससे हमारी मदद हो सके? हाँ मिला ना कुछ ऐसा बेटा जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, बंद करो इस इन्वेस्टिगेशन को और एसआईटी को वापस जाने के लिए। बेटा जो होना था सो हो चुका है, अब गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपको अपना गुरु माना है और आप ही ने तो एसआईटी का ऑप्शन सजेस्ट किया था। हाँ मैंने ही ऑप्शन दिया था, लेकिन अब मैं ही रोकने के लिए कह रहा हूँ ना बेटा। मुझे गुरु मानती हो ना तो मेरी बात मानो, जब तक ताई को इंसाफ नहीं मिल जाता मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बेटा तुम बात को नहीं समझ रही हो, मुझे डर है कहीं इसका अंत तुम्हारे लिए बहुत बुरा ना हो।
तब देखा इधर वो लड़के गिरे थे, अरे पुलिस आएंगे। चलो चलो पीछे पीछे हटो, काम नहीं है, चलो आगे चलो। सर ये तो प्रीति कामत है, देख के लगता है कल रात को मर्डर हुआ है। प्रीति प्रीति मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे प्रीति? झाला तुमचं समाधान झालं ना एकदाच? श्रवण देशमुख की वजह से हमने हमारी दोनों बच्चियां खो दी। आपको यकीन है ये काम श्रवण देशमुख का है? हाँ साहब, ये काम श्रवण देशमुख का ही हो सकता है, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं प्रीति को रोक लूं। वो आपकी बेटी है ना प्रीति, जो हमारे खिलाफ बोल रही है, और समझाओ उसे, वरना अगर हम समझाने पर आएंगे तो तकलीफ हो जाएगी कामत जी। उसके बाद मेरा और प्रीति का झगड़ा हुआ, प्रीति घर छोड़ के भाग गई और करण के साथ रहने लगी। और आपने उसे जाने दिया? प्रीति नहीं, प्रीति 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 क्या लगता है तुम्हें? मुझे भी लगता है सर, प्रीति का खून श्रवण ने किया है, उसने कल शाम को मेरे सामने उसको धमकी दी थी। लगता है बहुत जल्द तुम अपने ताई से मिलने वाली हो। उसके बाद वो बहुत अपसेट थी। वो सुनसान जगह क्या करने गई होगी? मुझे नहीं पता सर, मैं जब ऑफिस से घर लौटा तो घर पे नहीं थी, आई और बाबा ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा, मुझे लगा अपनी आई से मिलने गई होगी। ठीक है जाओ तुम। सिरके इसका स्टेटमेंट क्रॉस चेक करो और क्राइम सीन का डम डाटा निकालो, वहां जितने भी सीसीटीवी है सबका फुटेज कलेक्ट करो। आखिर प्रीति को किसने मारा? क्या अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की चाहत ही प्रीति की मौत का कारण बनी, या इसके पीछे की वजह कुछ और थी? पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलवाया और उन्हें कार की खिड़की से एक पार्शियल फिंगरप्रिंट भी मिला। जैसा पीआई ने सोचा था ये एक ही उंगली का फिंगरप्रिंट था, लेकिन ये किसी नतीजे तक पहुंचाने लायक नहीं था। सोचने की बात थी कि ये किसकी उंगली का निशान था। इसी बीच सारी उंगलियां श्रवण की तरफ उठ रही थी, लग रहा था कि तीनों मौतों का वही जिम्मेदार था। कोर्ट से ऑर्डर आया और श्रवण पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गया। पूरा देश सांसें थामकर इंतजार कर रहा था ये जानने के लिए कि श्रवण क्या कहेगा। पुलिस को चैलेंज नहीं देने का, समझा ना? अगर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया ना तो किसी को भी बुला सकते हैं हम यहाँ, और सबसे मेन बात कानून से कोई नहीं बचेगा। चल रख फोन रख। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ना ही निधि के साथ, ना ही प्रीति के साथ, ना ही किसी और के साथ। तो वो प्रीति ने कंप्लेंट किया, ऐसे मजाक मजाक में की? कंप्लेंट तो मैं भी कर सकता हूँ किसी के खिलाफ, पर सबूत कहाँ है? अब बिना सबूत कंप्लेंट के कोई मायने नहीं होते। और वो वरुण, वरुण के साथ जो झगड़ा हुआ था वो भी झूठ है? हाँ वो सच है, हम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हुए थे और झगड़े भी हुए थे। और प्रेम का मत, प्रेम का मत तुम्हें धमकी दी थी ना तुमने? प्रीति के झूठे इल्जामों की वजह से हाईकमान मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो क्या करता? मैंने प्रेम से कहा कि अपनी बेटी को संभाले। निधि के साथ जो बर्ताव कर रहे थे उसका क्या? सर अब खूबसूरत लड़की से कौन बात करना नहीं चाहेगा, अब वरुण के थ्रू से मेरी पहचान हुई थी तो मजाक मस्ती हो जाती थी, पर हाँ बदतमीजी नहीं की मैंने उसके साथ जैसे उस गजेंद्र चंद्राकर ने की। मतलब बुरी नजर थी उसकी निधि पर, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुनाता हूँ, आप खुद ही सुन लीजिए उसने क्या कहा था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में। अरे मिस नागपुर मतलब अपनी हुई ना, देखना मिसेज नागपुर भी हम ही बनाएंगे। जल्दी जल्दी कैमरा कैमरा पेन करो, कैमरा पेन करो। सर सर किस तरह के सवाल पूछे आपसे पुलिस ने? नो कमेंट्स। सर कुछ तो रिएक्शन, कुछ तो बातचीत हुई होगी, जैसा कि देखा आपने देशमुख जी 4 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर आए हैं और उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर यही लगता है कि पुलिस को उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने बाहर आते ही हमें वी का साइन दिखाया, हम इस केस पर लगातार बने हुए हैं, आप देखते रहिए TV 30। सर ये तो एंटी क्लाइमेक्स हो गया, हमारे पास भी उसके खिलाफ कुछ नहीं है। ये एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, लेकिन इसने हमें एक नया एंगल दिया है।
क्या वाकई में गजेंद्र चंद्राकर इस केस में इन्वॉल्व तो नहीं, या हमें कंफ्यूज करने के लिए ये श्रवण ने उसका नाम लिया? सर, सर प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौत, मौत का टाइम रात से 12 से 2 बजे के बीच का है। सर उसके प्राइवेट पार्ट में ड्राइड सीमेन के ट्रेस मिले, लेकिन पूरे बॉडी पर इंजरी या कोई मार्क्स नहीं मिले जो रेप या जबरदस्ती की तरफ इशारा करे। करण के साथ रहती थी ना? सर करण को बोला डीएनए सैंपल लेने की जरूरत नहीं है। सर प्रीति और मेरे बीच सर श्रवण की धमकी के बाद प्रीति बहुत परेशान थी और मैं उसका साथ दे रहा था, उसकी मदद कर रहा था। सर पता नहीं हम दोनों कैसे एक दूसरे में इन्वॉल्व हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। तो फिर तुमने उसकी स्थिति का फायदा उठाया? आई सपद सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। हम दोनों के बीच जो भी हुआ है एक दूसरे की मर्जी से हुआ है। सर हम दोनों तो अगले हफ्ते शादी भी करने वाले थे। ये देखिए सर, सर मैंने कार्ड तक बना दिए थे। ये देखिए सर, मैं अपने कुछ क्लोज दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजने भी वाला था। ये बहुत बहुत सिंपल शादी करना चाहते थे सर। फिर आगे क्या हुआ? आगे सर मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कुछ काम से घर से बाहर निकला था और जब मैं वापस आया तो प्रीति घर पर नहीं थी। बहुत अच्छी कहानी सुनाया तुमने। कोइंसिडेंस, मराठी में इसको योगा योग कहते हैं। मतलब योगा योग नहीं मालूम? हमारे डम डाटा के हिसाब से तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले जहाँ प्रीति का मर्डर हुआ ना, उसके आसपास का लोकेशन दिखा। सर आप कहना क्या चाहते हैं? नीचे बैठो, इतना कहना चाहते हैं। बैठो, बैठो, बैठो। सर आप क्या कहना चाहते हैं कि मैंने प्रीति को मारा? सर मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूँ, मैं अपनी बाइक पे निकला था बस राइड पे सर, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, अपने हमारे फ्यूचर के बारे में सोचने के। अब सर रास्ते में फ़ोन की बैटरी लो हो गई होगी, फ़ोन बंद हो गया होगा, नहीं ध्यान दिया मैंने। आई शपथ सर, सर मुझे नहीं पता था कि प्रीति वहीं पे है जहाँ पे मैं हूँ। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, जो भी मैंने कहा सब सच कहा है सर। चलो यूं जा, तुम्हारे फ्यूचर का प्लानिंग हम करेंगे। सर आप मेरी बात सुनिए सर, श्रवण फंसा रहा है मुझे सर। सर आप मेरी बात सुनिए सर, ये झूठ है सर सब। शिरके, वरुण के कार पे हमें जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो श्रवण से मैच हुए? सर उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है बट जल्दी आ जाएगी। इसके भी फिंगरप्रिंट मैच करवा के देखो। ठीक है सर। और वरुण और निधि के क्राइम स्पॉट का डम डाटा चेक करो, देखो कुछ नई कहानी सामने आती है। ओके सर। तुम जो बोल रहे थे जिस दिन प्रीति का मर्डर हुआ वहाँ तुम नहीं थे, कहीं और बाहर घूम रहे थे बाइक से, वो सच हो सकता है। सर मुझे छोड़ रहे हैं सर। सर आप लोगों को पता क्या होगा पक्का कि ये जो मैंने कहा सब सच है? हाँ, लेकिन एक बात जो हमने पता की, वरुण का मर्डर, वरुण का तो उसके कार के ऊपर तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिले। ऐसे कैसे हो सकता है सर? मिले, तुम उसको मिटाना भूल गए होगे। हाँ निकल रहे होगे ना गाय गड़बड़ में? नहीं, क्योंकि तुम्हारी मोबाइल लोकेशन उसी जगह की उस रात की दिखा रही है, मतलब जिस वक्त वरुण का मर्डर हुआ वहाँ की दिखा रही है। कहानी मत बना, सच बता। चिरके कितने डिप्स मारे आज? 50। चलो फिर शुरू हो जाओ। नहीं 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 सर, नहीं मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर, मेरा कुछ प्लान नहीं था इसमें सर। सर ये सब गजेंद्र का करा धरा है, उसको सोना था निधि के साथ किसी भी कीमत पे। सर उसने मुझे लालच दिया, उसने कहा मुझे अपनी पार्टी में अच्छी पोस्ट दिलाएगा। मैं तो बस प्रीति के साथ शादी करना चाहता था जल्द से जल्द, ऊपर से निधि परेशान थी, वो अंकल वरुण को लेके मान नहीं रहते, तो मैंने गजेंद्र को हाँ बोल दिया। लेकिन सर मास्टरमाइंड वही है सर, आप उसको बुलाइए मेरे सामने, मैं कहूँगा उसके सामने सब कुछ, उसने करा है सर ये सर। मुझे सच बता, सच बोल, नाटक नहीं है, सच बोल। रात वरुण और निधि जब पार्टी से निकले तो मैंने प्रीति को पहले घर छोड़ा, उसके बाद मैंने वरुण को कॉल किया और कहा कि गजेंद्र के घर पे आकर उससे मिलने के लिए, उसके पास प्लान है जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम दोस्त थे और प्रीति भी गजेंद्र की पार्टी से थी, तो उन दोनों को शक नहीं हुआ। वो जब घर पहुंचे तो उन्हें अलग अलग कमरों में बंद कर दिया और श्रवण के घर के पास लगाए, तो मैंने देखा कि वो दोनों जिंदा थे, सांस ले रहे थे, तो मैंने हीटर फुल कर दिया ताकि बस घुटन से मर जाए, और लॉक करके बाहर खड़ा हो गया। मैं जब दोबारा देखने आया गाड़ी में तो वो लोग जिंदा थे, सांस ले रहे थे, सांस
उसकी सांस घुट गई। उसके बाद मैंने गाड़ी में से सारे फिंगरप्रिंट मिटाए थे, पर शायद एक मिटाना भूल गया। अच्छा हो ना फिंगरप्रिंट मिटाना भूल गया। प्रीति को क्यों मारा? उस दिन जब हम श्रवण से मिल के आए तो मुझे गजेंद्र का कॉल आया। उसने कहा कि मैं प्रीति को कहूँ कि वो इंक्वायरी बंद कर दे, तो मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? तुमने इससे बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ तो तुम्हारे लिए वो सब काफी नहीं है? तुम्हारे लिए मैंने वरुण और निधि को ठिकाने लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि प्रीति तो बस मुझे गजेंद्र के कॉल के बारे में बताने आती थी और उसने सब सुन लिया। वो पुलिस में आने की बात करने लगी सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, मैं क्या करूँ? देखो ये बात को ध्यान से सुन, ये सब जो किया गया है ना ये सब गजेंद्र ने किया। तो हम एक काम करते हैं, हम गजेंद्र को बुलाते हैं, उससे कन्फ्रंट करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं, उसके बाद पुलिस को बता देंगे। तुम्हें भरोसा है ना मुझे? फिर वो मान गई। फिर तो उसको सुनसान जगह पे लेके गए। हमने गजेंद्र को यहाँ क्यों बुलाया है? ये कितनी सुनसान जगह है, हम कहीं और भी तो जा सकते थे, तुमने यही जगह क्यों चूज की? तेरा तो फ्यूचर सॉल्व हो गया बेटा, तीन तीन मर्डर के जुर्म में तो अभी अंदर रहेगा। ऑल द बेस्ट। सर मेरी बात सुनिए सर आप बोलिए ना सर। मैं अपने फ्यूचर के बारे में कर रहा था सर, मैंने गलती। करण ने प्रीति से सच्चे प्यार की कस्में खाई थी, लेकिन प्रीति और अपने करियर में से करण ने अपने करियर को चुना। प्रीति अपनी बहन के कातिल तक पहुंचना चाहती थी और वो उस तक पहुंच भी गई थी, ठीक अपने कत्ल से पहले। श्रवण जो शुरू से ही दोषी नजर आ रहा था वो निर्दोष निकला, कम से कम इस केस में। तो गजेंद्र ने श्रवण की बातों को महज कहानी बताया और पुलिस को भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। गजेंद्र आज आजाद घूम रहा है, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी है, वो आज भी गजेंद्र के खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। हो सकता है शायद सच में किसी दिन प्रीति की आत्मा को पूरी तरह से इंसाफ मिल जाए। तो चलिए मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार अब हर औरत का भार। जय हिंद। जुनून एक ऐसा जज्बा है जो इंसान की जिंदगी बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। सवाल ये है कि जुनून है किस बात का? जुनून अगर सही दिशा में हो तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है, और अगर गलत हुआ तो इंसान को शैतान बना देता है। हर अपराधी के गुनाह के पीछे एक वजह होती है जिसे पुलिस जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करती है ताकि जल्द से जल्द उसे तह से मिटा सके। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। कभी कभी किसी जुर्म की वजह इतनी विकृत, इतनी विचित्र होती है कि पुलिस के लिए तो क्या, मनोवैज्ञानिकों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है मुजरिम को समझ पाना। ऐसे में जब आप मुजरिम की फितरत और नियति ना समझ पाओ तो केस सुलझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2018 से 2020 तक एक ऐसा ही अपराधी इंदौर शहर में दहशत फैला रहा था और लाखों कोशिशों के बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। बार बार फोन कर रहे हो? तुम्हें बोला है ना मुझे फोन नहीं करने के लिए। हाँ माँ हाँ, सारे काम कर लूंगी मैं, खाना भी बना लूंगी, लेकिन आप लेट मत करना। मिनी आज देर नहीं होगी बेटा, एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं है। सुन आज घर पे खाना बनाने का प्लान छोड़ दे, मैं आते वक्त भुट्टे का खीस और समोसे ले आऊंगी। तो बता मुझे कितने थम्स अप मिलते हैं? मेरी तरफ से 5। ठीक है। मिनी से मेरी करीब 2 बजे बात हुई थी, वो कॉलेज से घर आ गई थी
और जब मैं घर पे पहुंची करीब 5 बजे तो मिनी बेटा दरवाजा खुला ही छोड़ दिया तुमने। मिनी मिनी कहाँ हो मिनी बेटा? यहाँ पे भी नहीं है मिनी। मिनी मिनी बेटा फोन लगाती हूँ, कहाँ गई दरवाजा खुलकर? फोन यहाँ छोड़कर कहाँ चली गई? मिनी मिनी रात के 2 बजे है और अभी तक मिनी की कोई खबर नहीं। हो सकता है कि वो खुद से कहीं चली गई। उसका कोई बॉयफ्रेंड? नहीं सर, मिनी का कोई बॉयफ्रेंड है उसने ऐसा कभी नहीं बताया। सर वैसे भी वो पूरे दिन मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन में लगी हुई थी, पूरे दिन वो पढ़ाई करती थी, उसे डॉक्टर ही बनना था सर। ठीक है, हम आपकी कंप्लेंट लिख लें और मिनी की फोटो भी सब जगह सर्कुलेट कर देते हैं। आपने बताया था कि मिनी का फोन घर पर ही था। जी सर। प्लीज दीजिए। लेकिन उसने इसमें पासवर्ड सेट किया है सर। ठीक है, हमारी साइबर टीम इसे अनलॉक कर देगी। और एक सवाल, आपके हस्बैंड मिनी के फादर कहाँ हैं? काफी साल पहले वो घर छोड़कर चले गए, अब मैं और मिनी ही एक दूसरे का सहारा है। थैंक यू मैडम। सर मिनी मिसिंग रिपोर्ट को 1 हफ्ता हो पर उसकी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन सर उसके कॉल रिकॉर्ड से एक बात सामने आई, उसे एक नंबर से 120 कॉल्स गए जिसमें से मिनी की सिर्फ 3 बार बात हुई थी उस नंबर पे। मिनी का कोई ऑब्सेस्ड लवर या कोई स्टॉकर है? सर उसके फ्रेंड्स और माँ को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही कि मिनी खुद घर छोड़ के गई, क्योंकि ना ही कोई किडनैपिंग के साइंस है और ना ही कोई स्ट्रगलिंग की। लेकिन वो अपने घर से कोई सामान लेकर क्यों नहीं गई, यहां तक कि फोन भी नहीं लेकर गई। ऊपर से 120 कॉल्स, पता करो ये 120 कॉल्स किस नंबर से आए थे और सारी डिटेल्स। आज मैंने पहले ही चढ़ा लिया है। बड़ा शाना है तू, लग गई रे। सर एक औरत की डेड बॉडी रिपोर्ट हुई है। कहां? इंदौर के बाहर देवास रोड पर बाईपास के पास। तुम यहाँ क्यों आए? क्या चाहिए तुम्हें? तो लाश के तो दोनों कान कटे हुए हैं और इसके तो दांत भी टूटे हुए हैं। लगता है मर्डर गहनों के लूट के लिए हुआ है। तिवारी ज्वेलरी तो उतार के भी ले जा सकता था, कान क्यों काटेगा? दांत भी तोड़ा हुआ है, ये नॉर्मल चोरी और मर्डर का केस नहीं लगता है। तिवारी सर ये सिगरेट भर, ये तो बीपी की नॉर्मल टैबलेट्स है। लाश का पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने सर। पहचानता है इसको? नहीं सर, ये एरिया बहुत सुनसान है तो रात को दारू पीने आ जाते हैं। अंधेरा था तो इधर से आते आते बॉडी से टकरा के गिर गया। और किसी को देखा आते हुए? नहीं सर। गुड आफ्टरनून सर, आपने मुझे बुलाया। जी बैठिए। इट्स ओके सर, मैं ठीक हूँ। देखिए अनुपमा जी, आप पिछले 1 साल से यहाँ पर नौकरी कर रही हैं और उस दौरान मुझे भी कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन अभी हमारे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है जिसकी वजह से मुझे आपको यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ रहा है। लेकिन सर हुआ क्या है? देखिए हम आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट दे देंगे और इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि आप माँ बनने वाली हैं और उसके लिए आपको ब्रेक तो लेना ही पड़ता ना, तो बेहतर होगा कि सर जिस औरत की लाश हमें मिली थी उसका मर्डर 2 दिन पहले हुआ था, लेकिन हमारे करंट रिकॉर्ड्स में ऐसे किसी भी औरत की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है जिसकी उम्र इससे मिलती हो। लेकिन हाँ, दयाल नगर पुलिस स्टेशन से एक 18 साल की लड़की और ओल्ड सिटी एरिया से एक 55 साल की औरत की मिसिंग कंप्लेंट की खबर मिली है। जहाँ पे लाश मिली वहाँ कटे हुए कान मिले
नहीं सर, हमने सब जगह छान मारा लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। तो क्या हत्यारा खान अपने साथ ले गए? अजीब बात है। खैर, उस जगह के बारे में पता करो, कौन आता जाता है, क्या है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम कब तक रुकोगे यहाँ पे? मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी तुम जबरदस्ती घर में घुस आए हो। तो क्यों ना घुसू घर में, बेटी तो संभाली नहीं गई तुझसे। बाप हो तुम, एक भी चीज निभाई आज तक? समझ में नहीं आ रहा अब क्यों आए हो यहाँ पर? मिनी और मेरे लिए मर चुके हो तुम। पापा 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 सुनिए ना, मिनी मर जाइए ना प्लीज, पापा रुक जाइए ना, मम्मी बोलिए ना पापा को। मिनी चुप कर, चले दें, मैं हूं ना तेरे साथ। पापा पापा सुनिए ना, वो सालों तक इंतजार करती रही, रोती रही, और आज जब वो गायब हुई तो इतने सालों बाद अचानक से तुम आ गए। कहीं उसके गायब होने के पीछे तुम्हारा तो हाथ नहीं है? क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास कर रही हूँ? पुलिस कह रही थी मिनी को बहुत सारे कॉल आ रहे थे। तुम्हें बोला है ना मुझे फोन नहीं करने के लिए? वो कॉल तुम तो नहीं कर रहे थे? निकलो यहाँ से, निकलो, मैं कह रही हूँ निकलो। तुम बेला शर्मा जी, ये फोन नंबर 4442991 आपका है? जी हाँ। आप मिनी चौबे को जानती हैं? मिनी चौबे नहीं सर। क्योंकि मिनी चौबे के फोन पर इस नंबर से कई बार कॉल गए थे। लेकिन मेरा फोन तो खो गया था, उसी बात के लिए मेरे बेटे ने मुझे बहुत डांटा था। आपका बेटा? क्या हुआ माँ, फोन है? पिछले 10 दिनों से 120 कॉल्स गए तेरे नंबर से, क्या मजाक चल रहा है? सर सर मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी माँ का फोन 12 दिन पहले खो गया था, और मेरी माँ इतनी भुलक्कड़ है, उनको याद भी नहीं कहाँ खोया था। और क्या कह रहे हैं सर, 120 फोन कॉल्स, वो भी एक ऐसी लड़की को जिसे जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। इसकी घर की तलाशी अच्छी तरह से ले। अगर तू हमसे झूठ बोल रहा है, जानता है ना इसका अंजाम क्या होगा? तू चाहे जो भी कर ले, वापस जरूर आऊंगा मैं। सर सर, ऋषि के घर से कोई फोन नहीं मिला, वो एक ट्रेवल एजेंसी चलाता है। सर हमने वहां भी छानबीन की पर कोई फोन नहीं मिला। लेकिन एक बात है सर, ऋषि की दुकान जिस मार्केट में है, मिनी वहां गई थी एक हफ्ते पहले। सर एक रिपोर्ट लिखवानी है सर, मेरी बीवी 2 दिन से घर नहीं आई है। सावित्री सावित्री कोई क्यों ऐसा करेगा सर, उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी? आपकी पत्नी की हत्या 2 दिन पहले हो गई, और इन 2 दिनों में आपकी पत्नी से आपकी बात नहीं हुई, तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई? क्योंकि मुझे लगा वो भोपाल में है। अच्छा सुनो, हाँ मैं 2 दिन में भोपाल से आई जाऊंगी, माँ से तो मिल ही लूंगी, साथ में तेरी शॉपिंग भी कर लूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं मुन्नी को संभाल लूंगा। मम्मी मम्मी मेरे लिए सूट लेके आना जो दीपिका ने मूवी में पहना था। ठीक है मुन्नी, मैं लेकर आऊंगी। फिर बाद में उसी दिन उसका फोन आया। हाँ मैं पहुंच गई हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सावित्री तुम ठीक हो ना, तुम्हारी आवाज में कुछ परेशानी लग रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप बस मुन्नी का ख्याल रखिए। कुछ और बात हुई आपकी? जी नहीं सर, एक्चुअली 2 दिन से वो थोड़ी टेंशन में लग रही थी, मैंने उससे पूछा नहीं क्योंकि हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग थी सर। मैंने सोचा वो जब बताना चाहेगी मुझे बताएगी। क्या वो बहुत महंगी ज्वेलरी पहनती थी? हमारे पास इतने पैसे कहाँ है, मैं छोटा मोटा सामान डिलीवरी का जॉब करता हूँ, और सावित्री सिलाई का छोटा मोटा काम करती थी। क्या आपकी वाइफ बीपी की टैबलेट्स लेती थी? जी नहीं सर। सिगरेट्स? कैसी बात कर रहे हैं सर, जहाँ पर हमें आपकी वाइफ की लाश मिली थी वहाँ पर ये कुछ चीज़ें मिली हैं। ये सामान उन्हीं का है? जी सर।
ठीक है, आप बॉडी अंतिम संस्कार के लिए ले जा सकते। सर ऐसी जली हुई सिगरेट्स तो उस एरिया में कई जगह पड़ी मिली है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर की टेबलेट्स क्या वाकई में उस किलर की होगी? तिवारी, बीपी इतनी आम बीमारी है कि अगर किलर सच में बीपी का पेशेंट हुआ तब भी उसे ढूंढना अंधेरे में सुई ढूंढने के बराबर होगा। सावित्री श्रीवास्तव की जब बॉडी मिली उसके कान कटे हुए थे। पुलिस हैरान थी कि क्या इसके पीछे कोई कारण था या ये एक यादृच्छित एक अनियमित घटना थी। पुलिस को अब तक ये समझ नहीं आया था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, शुरुआत बेहद क्रूरता की। सर, हमारे खबरी के अनुसार जिस दुकान में ड्रेस और कॉस्ट्यूम भाड़े पर मिलते हैं वहां मिनी आई थी। हाँ सर, ये लड़की आई थी इस दुकान में, इसका स्पेशल ऑर्डर था। ये देखिए मैडम जी, एकदम बेस्ट है, आपके साइज का है, परफेक्ट। अच्छा है भैया, पर मुझे थोड़ा सा बड़ी साइज में चाहिए, थोड़ा बड़े घेर में, लार्ज या एक्सेल में। इससे बड़ा तो अभी नहीं है, लेकिन हम अरेंज करवा के दे सकते हैं। वैसे कितने दिनों के लिए चाहिए आपको? 2 या 3 दिनों के लिए। अच्छा, वैसे एक दिन का किराया कितना होगा? पर डे का 750 रुपए है हमारा। 750, ठीक है चलेगा। ये देखिए सर, ये बिल है मिनी चौबे का। सर हम फोन करते रहे लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं। और सर, दुकानदार के कैश मेमो के हिसाब से ये कंफर्म है कि मिनी के गायब होने के 2 दिन पहले वो इस दुकान पर भी आई थी। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम सर। क्या हम मिनी का कमरा देख सकते हैं? आप कौन? मैं वो मिनी का फादर। लेकिन आपने तो हमसे कहा था कि आप लोग साथ में नहीं रहते। लेकिन सर, मिनी मेरी भी बेटी है, अब उसके गायब होने की चिंता मुझे भी हुई तो मैं यहाँ चला आया। इतने सालों के बाद अचानक से मिनी की याद कैसे आ गई? अरे सर, बेटी है मेरी, याद तो आएगी ना, वो तो इसके कारण मैं मुझसे मिल नहीं पाता हूँ। सर, इस आदमी को बोलिए यहाँ ना आए करके। देखिए, आपका आपसी मामला है, आपस में सुलझा लीजिए। हमें पड़ोसियों ने बताया कि वो लोग मिनी से डरते थे, इनफैक्ट उसने एक लड़के को पत्थर से बुरी तरह से मारा था। आपने हमसे ये बात छुपाई की? सर, वो एकदम सीरियस टाइप की लड़की थी, लेकिन मैं उसे पसंद करता था, इसीलिए उसे किडनैप कर लिया। सर क्या कह रहे हो, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। पागल तो वो थी, देखिए सर 4 स्टेचेस आए। क्यों मारा था उसने तुझे? बस ऐसे ही सर, अचानक से हमला कर दिया उसने मेरे ऊपर। ए मनुज, जल्दी क्या डेट पे? बस सर, ऐसे ही मजाक करता था मैं। और ऐसे ही मजाक मजाक में तूने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी कि मिनी पागल है। तूने ये बात फैलाई थी ना, और तेरी वजह से बाकी लोग मिनी को परेशान किया करते थे। इसे लॉकअप में लेके जाओ, अच्छी तरह से खातिरदारी कर। नहीं सर, चल मैं सब बता दूंगा, सब बता रहा हूं। चल अब बोलना शुरू कर। ए मनुज, मक्की चूस, तेरा बाप चला गया दिखा के पूछ, चलती क्या डेट पे? ज्यादा पे जा रहे हो, तू पागल है क्या? बाप के लिए बोलेगा, बाप को बोलेगा, बाप पे जाएगा। और उस दिन के बाद मैंने उससे बात करना और चढ़ाना बंद कर दिया था। बंद कर दिया था या और तरीका ढूंढ लिया था तूने? फोन किया करता था ना तू उसे धमकी देने के लिए? नहीं नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, उस दिन के बाद मैंने उसे फिर कभी परेशान नहीं किया। सर मैंने पता किया, जिस एरिया में सावित्री की लाश मिली थी उस एरिया में कुछ 10 लोग हैं रेगुलर जो वहां पर पीने के लिए आते हैं। मैंने उन सबका मेडिकल टेस्ट करवाया लेकिन किसी को भी ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी नहीं है, और वहां पर उन पीने वालों के अलावा कोई आता जाता भी नहीं है। लेकिन सर, सावित्री के कॉल रिकॉर्ड्स में एक अजीब बात सामने आई है। क्या? सावित्री के पति और बेटी के मुताबिक वो भोपाल के लिए निकली थी, लेकिन सर सावित्री के फोन लोकेशन के मुताबिक वो भोपाल पहुंची नहीं, वो यहाँ इंदौर में थी। और जिस दिन वो घर से निकली थी कुछ समय के लिए उसका फोन ऑफ हो गया था, और शाम को जब उसका फोन ऑन हुआ तो उसने फोन पर अपने पति से बात की। इसका मतलब उसने अपने पति से झूठ बोला, लेकिन क्यों?
सर मिनी जब गायब हुई तो हमें स्ट्रगल के कोई निशान नहीं मिले, तो क्या हम ये मानकर चले कि मिनी अपनी मर्जी से घर से निकली थी? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ हुआ क्या। दोपहर का टाइम था, आस पड़ोस के लोगों ने भी नोटिस नहीं किया। सर वो आखिर कैसे गई, कहां गई, कुछ पता नहीं चला। इस समीर और ऋषि का कोई अपडेट? इन दोनों का मिनी के साथ कोई ठोस संबंध तो नहीं निकला, और जिस फोन से मिनी को कॉल आया था उसके गायब होने के बाद से वो बंद है। मिनी की लाश अभी तक मिली नहीं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो जिंदा। तब तक समीर, ऋषि और मिनी का बाप सुबोध, इन तीनों पे नजर रखो। ओके जी सर। पुलिस एक गतिरोध तक पहुंच गई थी, और हर जानकारी के साथ पुलिस का काम मुश्किल होता जा रहा था। सवाल ये था कि कोई भी मुजरिम क्यों किसी का कान काटना चाहेगा? कैसे वो मुजरिम बिना किसी की नजर पड़े वहां से निकल जाता था? जो लोग भी शिकार हुए उन सब के बीच में कौन सी सामान्य कड़ी थी, और उनके बीच में असल में कोई कनेक्शन था भी या नहीं था? भैया एक दूध का पैकेट दे दीजिए। ए मोहसिन, एक दूध का पैकेट देना, खाते में लिख लेना। पहले ही 3 महीने के पैसे बाकी है। दे देंगे भैया, मैं जल्दी काम पर वापस जाऊंगी। लेकिन अभी हमारे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है जिसकी वजह से मुझे आपको यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ रहा है। इतने महीने हो गए, अब तक कहीं से कुछ पता नहीं चल पाया कि उन्होंने मुझे जॉब से क्यों निकाला था। कुछ भी हो, मैं पता करके रहूंगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब तक वो मुझे वापस नौकरी पर नहीं रखते, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अले अले मेरा बच्चा। मम्मा बेटा बस अब भी दूध लेकर आए। हाँ ऐसे और कितने दिन जिएंगे हम? किराने वाला पैसे मांग रहा था, और तो और मेरे पास दवाई तक के लिए पैसे नहीं है। तुम आओगे तब लेते हुए आना। आइए। वो मैं बेबी का दूध गर्म कर रही थी, आप बैठिए। खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे बैठना छोड़ो बेटा, केवल तुम्हारे हाथ की चाय पीने आता हूँ मैं। वैसे भी बैठने के लिए वक्त कहाँ अपने पास? हाँ वाह मिनी, तेरे हाथ की चाय तो सारी दुनिया में नंबर वन चाय है। आप साथ रहते तो पिलाती ना मैं आपको रोज ऐसी ही चाय। अच्छा सुन, तेरी मम्मी के गैर हाजिर में मैं यहाँ आता हूँ, उसे मत बोल। मैं तुम लोगों के साथ रहूं ये तेरी मम्मी नहीं चाहती, उसी ने तो मुझे घर के बाहर निकाला था। अब तो झूठ बोलना बंद करिए पापा, मैं इतनी भी छोटी नहीं थी कि कुछ भी ना समझूं। आप हमें छोड़ के गए थे, आप सब कुछ बर्बाद करके गए थे। आपने मम्मी के अपने सारे पैसे शेयर्स में, लॉटरी में लगा के सारे पैसे गवा दिए। अगर मम्मी नहीं होती तो मेरा पता नहीं क्या होता। तुम बिल्कुल सही बोल रही, लेकिन बेटा उसी का तो प्रायश्चित करना चाहता हूँ मैं, इसीलिए तो इतने सालों के बाद तुझे कॉन्टेक्ट किया है। चाहते क्या है? मेरे पास पैसे नहीं, मैं तो अब सिर्फ इतना चाहता हूँ कि माता रानी की सेवा में नाचूं। तू ना मेरे लिए सिर्फ वो कपड़े ला दे और वो थोड़े से पैसे। क्या? बस इतना कर दे मेरे लिए। मैं कसम खाता हूँ फिर कभी तुझे और तेरी माँ को परेशान नहीं करूं। एक करेगी ना मेरे लिए इतना?
सर एक मर्डर की रिपोर्ट आई है। सर घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं है, लगता है ये किलर को जानती थी। नीरज वो देख क्या है? ब्लड प्रेशर की दवा लग रही है। इसमें क्या? जब तक तुम अच्छा काम नहीं करोगे तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। यार अनु तो फिर बच्चे का क्या होगा? इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगी। आप काम क्या करते हैं? सर मैं लेबर का काम करता था कंस्ट्रक्शन साइट पे। अभी डबल शिफ्ट चल रही थी डे और नाइट। मैं डबल शिफ्ट करके जब वापस आया तो ये सिक्योरिटी का काम करती थी? करती थी साहब, लेकिन उसको जॉब से निकाल दिया। क्यों? उसके बॉस को किसने कंप्लेन करी थी कि अनुपमा पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तभी वो पेट से थी। साहब महीनों गुजर गए लेकिन उसको ये बात भूली नहीं साहब। ऐसी कंप्लेन किसने की थी? पता नहीं साहब, उसने उसके बॉस से पूछा भी था लेकिन उसने उसको बताया नहीं। एक वर्ष के भीतर अलग अलग जगहों में हत्यारे की ये चौथी हत्या है। हत्यारा इतना क्रूर है कि वो औरतों की हत्या कर उनकी लाशों से उनके कान काट कर अपने साथ ले जाता है और इंदौर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। देखिए कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स हैं कि ये केस अब हमारी प्रायोरिटी है, जल्द से जल्द ये केस सॉल्व होना चाहिए। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। स्टेट की हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये मर्डर ने मर्डर करके हमारी सिस्टम की कमजोरी का मजाक उड़ाया। आप लोग कुछ भी करिए, नाकाबंदी करिए, छापे डालिए, कुछ भी करिए, बट आई वॉन्ट दिस मैन अरेस्टेड। Am I clear? Yes, sir. अनुपमा हत्याकांड के मामले में एक आई विटनेस सामने आया, उसने एक आदमी को आइडेंटिफाई किया, हो सकता है वो हमारा किलर हो। उस आदमी को अनुपमा के घर से बाहर निकलते हुए देखा गया था। आई विटनेस ने कहा उसकी जीन्स पैंट पे कुछ लाल रंग के धब्बे थे। उसे लगा शायद ये कोई फैशन स्टेटमेंट हो क्योंकि उसी लाल रंग के धब्बे उसकी शर्ट पर भी थे। उसने एक काला चश्मा पहन रखा था और टोपी। आई विटनेस उसे ठीक से देख नहीं पाया लेकिन फिर भी उसने एक स्केच बनवा के दिया। ये वो स्केच। इस स्केच को हमने शहर के सारे एग्जिट पॉइंट्स पर भिजवा दिया। मर्डर इन चार लोकेशंस पे हुए, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। यहां सावित्री मर्डर, यहां, यहां नीलम मर्डर और ये यहां अनुपमा मर्डर। इन चारों केसेस के अंदर कुछ फैक्ट्स मिलते हैं, कुछ फैक्ट्स नहीं मिलते हैं। जो फैक्ट्स नहीं मिलते हैं वो ये है। पहला, इनकी उम्र किसी की 22 साल है तो किसी की 35 साल। मतलब खूनी अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करता है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज जो नहीं मिलती है वो है इनके लोकेशंस। तीन लोगों को आउटडोर यानी कि बाहर मारा गया है लेकिन अनुपमा को इनडोर घर के अंदर मारा गया। और तीसरा फैक्ट जो नहीं मिलता है वो ये है कि सावित्री और सिर्फ मर्डर हुआ है, रेप नहीं हुआ, लेकिन अनुपमा और नीलम का मर्डर भी हुआ है और रेप भी। अनुपमा को तो बहुत ब्रूटली मारा है। एग्जैक्टली। बैटन भले ही अलग अलग हो लेकिन मर्डरर एक ही है क्योंकि इन चारों विक्टिम्स के कान काटे गए और मर्डरर वो कान अपने साथ लेकर गया। और दूसरा फैक्ट जो इन चारों केसेस को जोड़ता है वो है बीपी टैबलेट्स। इन चारों लोकेशंस के ऊपर सेम बीपी टैबलेट्स पाए गए। और एक दूसरी चीज, वो लाल रंग का पाउच जिसके अंदर एक सिक्का रखा हुआ था जिसे हम अभी तक ये समझ रहे थे कि वो विक्टिम का है। हो सकता है एक विक्टिम अभी भी जिंदा हो। देखिए क्या ये वही आदमी है जिसे आपने देखा था? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। हो सकता है मैं इस केस को गलत तरीके से अप्रोच कर रहा हूं। शायद वो शहर को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक लड़की अभी भी उसके कैद में है, मिनी। ये लड़की एक साल पहले गायब हुई थी
और जब मैंने उसके घर की तलाशी ली थी तो उसके कबर्ड में मुझे ऐसी लाल पोटली मिली थी, और इस लड़की की लाश अभी तक नहीं मिली, और ये मर्डरर कभी भी अपनी लाशों को छुपाता नहीं है, तो हो सकता है कि मिनी अभी भी उसकी कैद में हो और जिंदा हो। नीरज सर, मिनी की फाइल निकालो जल्दी। जी सर। दो चीजें हैं जो मिनी के केस को इन चारों केसेस से जोड़ती है, जो उस वक्त हमें समझ में नहीं आई, वो ये है कि मिनी जीटी बाजार गई थी और वो 120 कॉल्स जो उसे किसी नंबर से आए थे, और वो नंबर इस एरिया में कहीं जाकर खो जाता है। ये देखिए नीलम मर्डर केस, जिस दिन इसका कत्ल हुआ ये भी जीटी मार्केट गई थी। इसका मतलब इन चारों केसेस में एक चीज कॉमन है, ये चारों लड़कियां मरने से दो दिन पहले जीटी बाजार गई थी, सेम एरिया सेम लोकेशन। इसका मतलब मर्डर जो है अपने शिकार को इसी एरिया के अंदर इस मार्केट प्लेस में चूज करता है। सारे सस्पेक्ट के फोन रिकॉर्ड चेक करो, लोकेशन चेक करो, पता करो कौन सा नंबर है जो विक्टिम के लोकेशन के आसपास भी एक्टिव था और जीटी बाजार में भी एक्टिव था जिस दिन ये सारे विक्टिम जीटी बाजार गए थे। आप कौन? नमस्ते मैडम, याद है आपको मैं वो शॉप में आता था जहाँ आप नौकरी करती थी? आपका कैसे आना हुआ यहाँ? मैडम आप इतनी ईमानदार और इतनी अच्छी एम्प्लॉय थी कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मगर आप चाहो तो एक दूसरी नौकरी है दूसरे शॉप में, मैंने सोचा पूछ लेता हूँ। हाँ आइए ना, अंदर आइए आप, वो मैं बेबी का दूध गर्म कर रही थी, आप बैठिए। कमिश्नर साहब का बार बार फोन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये केस कब सॉल्व होगा। सर मिल गया, एक नंबर है वो चारों मर्डर स्पॉट पर एक्टिव, जीटी मार्केट में उस टाइम पर भी एक्टिव था जब जब सावित्री, नीलम, फातिमा और अनुपमा अपने मर्डर के दो दिन पहले गई, और मिनी भी गायब होने के पहले वहां पर गई। और उसी मार्केट के पास एक फार्मेसी है, हमने वहां पर भी चेक किया तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो आदमी जिसका ये मोबाइल नंबर है ब्लड प्रेशर का मरीज है। कौन? नमस्ते मैडम, मैं वो लुकेट मी ड्रेस वाले के यहाँ से आया हूँ। अच्छा, पर मुझे तो बोला था कि शॉप से पार्सल कलेक्ट करना है। वो क्या है ना मैडम, हम बहुत सारे स्कूल के फंक्शन की डिलीवरी करते हैं, अब आपका पार्सल रेडी था तो सेठ ने कहा जाते हुए देते आना। ओके ठीक है, तो लाओ पार्सल। कैसा है ना मैडम, इतने सारे पार्सल की डिलीवरी है, अब आपका वाला पार्सल कौन सा है मुझे याद नहीं, आप प्लीज टेम्पो तक आके खुद देख लीजिए। ठीक है। ये बक्से में ही है। हाँ मैम, आप खुद ही आके देख लीजिए ना इनमें से। हाँ प्रायश्चित, प्रायश्चित। अरे हम तो आपके घर गए थे, लेकिन फिर पता चला कि आप तो यहां मिलेंगे, तो फिर चलें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम, मैं वो चांदी के सिक्कों की पोटली का सप्लायर हूँ। जी सर, जेंट्स लोगों का चेकिंग उस तरफ है, आप उस तरफ जाइए। अच्छा है भैया, पर मुझे थोड़ा सा बड़ी साइज में चाहिए, थोड़ा बड़े घेर में, लार्ज या एक्सेल में। अच्छा मैडम जी, आप अपना नंबर दे के जाइए, जैसे ही आता है मैं आपको इतला कर दूंगा। 00 44 777 777। थैंक यू जी, प्रणाम। चला बताना शुरू कर, अपनी बीवी सावित्री के साथ उन तीन लड़कियों को क्यों मारा? सावित्री को मुझ पे शक हो गया था सर, इसलिए भोपाल जाने के बहाने वो घर से बाहर निकली, और मैं जब घर से बाहर निकला
तब उसने मेरा पीछा किया। ये क्या हो रहा है? सावित्री तुम, सावित्री सुनो मेरी बात सुनो, तुम सुनो मेरी बात। ये सब क्या हो रहा है? हाँ सावित्री मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे, मैं खुद ही देख लेती हूँ। सावित्री सावित्री रुको, सावित्री। और तूने अपनी बीवी की हत्या कर और मारने के बाद उसके फोन से खुद को फोन किया और रिटर्न कॉल करके खुद ही रिसीव किया। एक साल पहले एक लड़की किडनैप हुई थी, मिनी, उसे भी तूने किडनैप किया? कौन? नमस्ते मैडम, वो लुकेट मी ड्रेस वाले से आया हूँ। ये लाल पोटली क्यों छोड़ के जाता था वहां पर? अरे ये तो मेरा गुड लक है सर, ये लाल कलर, ये मैं शगुन के तौर पे हर लड़के को देता हूँ ताकि मरने के बाद उनका भी लक अच्छा हो जाए। मिनी को चोरी के फोन से फोन किया करता था ना तू? क्यों? मजा आता था सर, मजा आता था। वो तो मुझे बहुत पसंद थी मिनी, उसे क्यों मारूंगा, उसे मैंने संभाल के रखा है। अच्छा सर, दूध नहीं पिलाएंगे? दूध चाहिए, चाहिए, चाहिए। कान काटता था, उन कानों का क्या करता था तू? बोल। चीनी थोड़ी ज्यादा डाल देना। पंद्रह दिन लग गए पुलिस को गजेन का मुंह खुलवाने में। गजेन का फोन लोकेशन ट्रेस किया, मानव बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसे समझने के लिए वैज्ञानिक आज तक जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इसके विकृत रूप से हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जब तक इंसानी दिमाग को पढ़ना नहीं सीख लेते, तब तक अप्रत्याशित घटनाओं से खुद को कैसे बचाएं ये सीखना होगा। अपने फोन नंबर को कभी किसी सार्वजनिक स्थल पर न दें। अपने इरादों को अपने प्रियजनों से कभी गुप्त न रखें। और ये कहना कभी भी पर्याप्त नहीं होगा कि अपने घर के दरवाजों को अंदर से सख्ती से बंद करें। और अगर कोई आपको जाना पहचाना लगता भी है, उस पर बेझिझक शक करें, क्योंकि दुर्घटना से सतर्कता भली। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां हम किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। एक तरफ पूरा ब्रह्मांड और एक तरफ मानव मस्तिष्क, दोनों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। शायद आज की दुनिया का यही सच है, इसीलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए सच्चे केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।